सो गाइस, बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है। आज के हमारे इस वीडियो में हम बाइक स्कैनर के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे सामने एक बाइक स्कैनर है जो कि अभी न्यू हमने इंट्रोड्यूस किया आप लोगों के, जी डायरेक्ट मोटो स्कैन M100 प्रो। ये बहुत ही ज्यादा अपडेटेड वर्जन का स्कैनर है। पहले आप जानते हैं हमारे पास V311 आती थी जो कि बाइक केबल के साथ में आती थी। वो एक नॉर्मल टूल थी बाइक स्कैनर के लिए, जो कि अगर आपके कोई नॉर्मल रेंज का लेना चाहता है बाइक स्कैनर तो भी आप परचेस कर सकते थे। ये आपकी स्कैनर आई है नॉर्मल रेंज में ही है, बट बहुत अच्छी है, अपडेटेड वर्जन है। इसके बारे में आज हम देखेंगे, इसकी अनबॉक्सिंग भी देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं और इसमें ऑन टेबल फीचर्स देख लेते हैं कि ऑन टेबल में क्या क्या इसमें दिखा दे रहा है, फीचर्स आप लोगों को वर्किंग में क्या क्या दिखा रही है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में व्हीकल में जाके देखेंगे, कनेक्ट करके देखेंगे कि ये क्या क्या काम कैसे कर लेता है। इसके साथ में हम आप लोगों को एक बाइक केबल भी देंगे जो कि ऑलमोस्ट सारे बाइकों को कवर कर लेता है। इसमें आप लोगों की आई थिंक ऑटो की भी ऑप्शन है। तो आइए चलिए हम सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं कि इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या मिलता है और इसमें ऑन टेबल हम चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स फंक्शंस हैं। सो गाइस, ये हमारी मोटो स्कैन की बॉक्स है जिसमें आप देख सकते हैं इसमें लिखा है। ये इसके स्कैन टूल के होने के साथ में एक बैटरी टेस्टर भी है जिसमें काफी सारे फंक्शन एंड फीचर्स दिए हुए हैं। तो ओपन करते हैं। सो गाइस, सेम आपको JDAC जो हमारी सेंसर टेस्टर होती है उसी की जैसे दिख रही है। इसे ओपन कर लेते हैं हम। ये जैसे कि आप जानते हैं कि हर टूल में सबसे पहले हमें एक यूजर मैनुअल मिलती है जिसे हम पढ़ के समझते हैं कि इसमें क्या फीचर फंक्शन है, कैसे यूज करना है उसके बारे में। तो इसमें भी आपको फीचर उस तरह की एक यूजर मैनुअल दी हुई है जिसमें हर एक फीचर फंक्शन दी हुई है कि आप इसे यूज कर सकते हैं। इसे पढ़ के काफी अच्छे से दी हुई है। इसके बाद में हम देखते हैं, इसमें आप लोगों को एक केबल दी गई है मोटो 16 to 17। 16 वाली जो है वो पावर क्लैंप के लिए और जो 17 वाली है वो बैटरी टेस्ट करने के लिए है। ये आपकी केबल की सेट है। ये देखिए, ये हमारी बाइक जो केबल की है वो सेट है। इसके बाद सेकंड है हमारी DB15P मेन टेस्टर। ये हमारी मेन केबल है जो कि आपकी डिवाइस से कनेक्ट होती है और हमारे गाड़ी से कनेक्ट होती है। केबल जो OBD पोर्ट रहती है उससे कनेक्ट होती है। और ये जो 16 वाली केबल है ये हमारे इस केबल से जाकर कनेक्ट होती है और फिर ये केबल हमारी गाड़ी से डायरेक्ट कनेक्ट होती है। उसके साथ में आपको एक USB पोर्ट के लिए भी दिया हुआ है, इससे आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। ये आपका यूनिवर्सल केबल है जिसमें कुछ कुछ पिन आउट्स भी दिए हुए हैं। तो ये हमारी यूनिवर्सल केबल हो गई और ये हमारी सबसे मेन टूल डिवाइस है गई। देखिए, देखने में काफी अच्छी है, काफी बड़ी है। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, बैक के ऑप्शन दिए हैं, ओके के ऑप्शन दिए हुए हैं, साइड में आपको चार्जिंग के भी ऑप्शन दिए हुए हैं एंड जो वो USB वाली पोर्ट केबल थी उसके भी पोर्ट दिए हुए हैं जिससे आप कनेक्ट करके डायरेक्ट इसे अपडेट कर सकते हैं। ये आपकी जो टूल है ये डायरेक्ट चालू नहीं होती है, जब तक आप इसमें किसी पावर सप्लाई को कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये ऑन नहीं होती है। तो ये हमारी टूल है, पीछे में आपको JDAC की मार्किंग है एंड ऑल डिटेल्स हैं। तो ये हमारी टूल हो गई जिसकी अनबॉक्सिंग थी ये। इसमें ये सारे आप लोगों को केबल कपलर्स एंड टू स्ट्रेचर्स मिलते हैं। इसके बाद हम आप इसे कनेक्ट करके देखते हैं कि काम कैसे होता है और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। सो ये हमारी जो टूल है वो है M100 प्रो एंड इसे हमने कनेक्ट करके रखा हुआ है OBD केबल से। OBD केबल के बाद ये हमारी जो मेन केबल है 16 वाली वो हमने एक OBD पोर्ट से कनेक्ट करके रखा है। इस टूल के बारे में हमारी पहले वीडियो बन चुकी है जो कि आप लोग अगर YouTube में हमारे ECU सिमुलेटर के नाम से सर्च करेंगे तो आप लोगों को ये टूल आ जाएगी जो कि एक खुद में ऑन टेबल काम करने के लिए डैशबोर्ड का काम करती है। इसमें किसी चीज़ की आपको ECM की जरूरत नहीं पड़ती है। हम इसे अभी चालू करते हैं। ये देखिए, हमने इसे चालू किया है। इसमें आपको यहाँ वोल्ट और एम्पियर दिखा दिए, उसके बाद ये हमने पावर सप्लाई इसमें दिया हुआ है और ये हमारी टूल की OBD केबल इसमें लगी हुई है। यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, व्हीकल स्पीड के ऑप्शन दिए हुए हैं, थ्रोटल के ऑप्शन दिए हैं, ऑलमोस्ट सारे फंक्शन दिए हुए हैं जो कि आप यहीं से इसे मेंटेन कर सकते हैं। ये हमने केबल कनेक्शन कर लिया, जैसे ही हमने पावर सप्लाई ऑन किया हमारी जो टूल है वो ऑन हो गई। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये डायरेक्ट पावर सप्लाई से ऑन होती है, तो यहाँ आप लोगों को ऑप्शन दे रही है। सबसे पहले आप लोगों का डायग्नोसिस ऑप्शन है, देन आपका बैटरी का ऑप्शन है, फिर मॉड्यूल टेस्ट है, USB मेमोरी है, इमेजेस है और सेटअप है। तो सबसे पहले हम चलते हैं डायग्नोसिस में और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी व्हीकल की लिस्ट दी हुई है। डायग्नोसिस में जाने के बाद इसे आप ओके कर देंगे तो यहाँ पर आप लोगों को व्हीकल लिस्ट आ जाती है। व्हीकल लिस्ट में आपको सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप OBD2 का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद इसमें और भी ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें बजाज आप जैसे जानते हैं इंडियन वर्जन है, आपकी BMW भी आ गई है,
फिट भी आ गई है और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, मैं आप लोगों को शो करती हूँ। ये देखिए यहाँ पर और ऑप्शन आ रहे हैं, आपका होंडा आ गया, आपका KTM आ गया, रॉयल इनफील्ड आ गया और इंडियन वर्जन की व्हीकल्स आ जाती हैं, कावासाकी है, काफ़ी सारे इसमें व्हीकल लिस्ट हैं जो कि आप लोगों को आते हैं। सुजुकी आ गई आप लोगों की और यामाहा आ गई, तो ये सब आप लोगों के व्हीकल लिस्ट है जो कि काफ़ी सारे दी गए हैं। इसके साथ में आप लोगों को बाइक केबल मिलती है, तो उसकी मतलब आप लोग अगर कोई व्हीकल लिस्ट इसमें नहीं दी है तो आप इसमें डायरेक्ट OBD में जाकर कनेक्ट करके आप उसे यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम सबसे पहले चलते हैं हमारे फर्स्ट पेज में। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, ये जो केबल है वो हमारी अपडेट करने के लिए होती है सॉफ्टवेयर, तो मैं आप लोगों को इसमें सॉफ्टवेयर के वर्जन दिखा देती हूँ। सबसे पहले जब आप सेटअप में जाएंगे, सेटअप में जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, साउंड के आ रहे हैं ऑप्शन, लैंग्वेज के आ रहे हैं। लैंग्वेज में आप जाएंगे तो यहाँ काफ़ी सारे लैंग्वेज हैं, बट जैसा कि आप जानते हैं हमें इंग्लिश समझ आता है तो आप इंग्लिश में जा सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को दिया है मॉड्यूल टेस्ट, ये आप लोगों की मॉड्यूल टेस्ट है। इसमें LCD टेस्ट दिया हुआ है, कीपैड टेस्ट दिया हुआ है, SD कार्ड टेस्ट दिया हुआ है। इसके बाद आप वर्जन चेक करना है, इसमें लेटेस्ट वर्जन कौन सी चल रही है, तो वर्जन के लिए आपको व्यू वर्जन में जाना है। और जो आप देख रहे हैं ये हमारी V2.2.13.13 वर्जन, ये हमारी लेटेस्ट वर्जन है अभी, तो ये हमारी वर्जन चेक हो गई। इसके बाद में काफ़ी सारे और फंक्शन है। अब हम चलते हैं सबसे पहले व्हीकल में और देखते हैं कि इसमें क्या क्या फंक्शन दिए हुए हैं। डायग्नोसिस में चलते हैं हम। डायग्नोसिस में आप जैसे ही जाएंगे यहाँ पर हम सबसे पहले हमारी जो इंडियन गाड़ी है उसे सिलेक्ट कर लेते हैं, बजाज हमने सिलेक्ट कर लिया। बजाज में आपको ऑटो स्कैन और व्हीकल सिलेक्शन दोनों ऑप्शन दे रहे हैं, तो हम व्हीकल सिलेक्शन में चलते हैं। और इसमें आप लोगों को पल्सर दिया हुआ है और रोजर दिया हुआ है, तो हम पल्सर में चलते हैं। पल्सर में आप लोगों की i50, 150, 200 है, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं 150 को, पल्सर 150। इसमें इंजन, अब इंजन में जाने के बाद हम इसे देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हमको ऑप्शन दे रहे हैं सारी। तो ये कम्युनिकेशन में थोड़ा सा टाइम लेता है, इसके ECM के साथ कम्युनिकेशन में। तो ये टूल हमारे पास बल्क क्वांटिटी में अवेलेबल है और बहुत ही रिजनेबल कॉस्ट में है, तो अगर आप लोग परचेस करना चाहते हैं कोई भी तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर से ज़रूर कॉन्टेक्ट करिए। और हमारे पास जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर परचेस करिए एंड बहुत ही अच्छी टूल है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें आप लोगों की ये कम्युनिकेशन हो गई है और इसमें अब सारे ऑप्शन आ रहे हैं। आप लोगों को लाइव डेटा आ रही है, सेकंड फ्रिज फ्रेम डेटा है, रीड फॉल्ट कोड है, इरेज फॉल्ट कोड है, O2 सेंसर मॉनिटरिंग है, व्हीकल इंफॉर्मेशन है आपकी, तो ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें लाइव डेटा, हम लाइव डेटा में चलते हैं। लाइव डेटा में आप जाने के बाद आपको पूरी डिटेल्स इसमें शो कर देती हैं, आपकी फ्यूल सिस्टम बैंक और इंजन टेम्परेचर कितनी है, ऑल ऑप्शन आपको इसमें दिखा देगी। तो ये हमारी सारी लाइव डेटाज हैं। अगर आप इसमें देखना चाहते हैं इसकी ग्राफ, तो आप इसमें किसी को भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि इंजन टेम्परेचर है। आप जब व्हीकल के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो वो जो भी डेटा रहेगी वो आपको ग्राफ के रूप में यहाँ पर शो कर देगी। बहुत काफ़ी अच्छे फंक्शन है इसमें, काफ़ी सारे फंक्शन हैं। सेकेंड आपकी फ्रिज फ्रेम है, फ्रिज फ्रेम मतलब कि इसमें परमानेंट कौन सी बीमारी है इस गाड़ी में आपकी जो भी है उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर से आप फ्रिज फ्रेम भी देख सकते हैं, सारे ऑप्शंस आ गए आपको। आप इसे भी ग्राफ के रूप में देख सकते हैं, आप कहीं भी जाकर उसे ऑप्शन को क्लिक कर देंगे तो ये ग्राफ के रूप में उस वैल्यू को शो करने लगती है। तो ये आपकी फ्रिज फ्रेम हो गई। इसके बाद आप फॉल्ट कोड रीड कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी में क्या फॉल्ट कोड है, आपकी करंट फॉल्ट कोड। इसमें अभी कोई भी फॉल्ट कोड नहीं है क्योंकि एक ये अभी ओनली फॉर एक ECU से कनेक्टेड है, मतलब एक ऑन टेबल से कनेक्टेड है डैशबोर्ड से, इसलिए इसमें कोई भी फॉल्ट कोड नहीं दिखा रही। जब हम इसे गाड़ी से कनेक्ट करेंगे तब इसमें फॉल्ट कोड दिखाएगी। इसमें आपका इरेज फॉल्ट कोड का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप जब इसमें जाएंगे अंदर तो जो भी आपके फॉल्ट कोड रहेगी वो आप इसे इरेज कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका O2 सेंसर मॉनिटरिंग है, आप इसे भी चेक कर सकते हैं। ये अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है क्योंकि एक अभी बस ऑन टेबल कनेक्शन से कनेक्टेड है इसलिए। इसके बाद आप लोग किस व्हीकल में कनेक्ट किए हैं उस व्हीकल की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शो कर देता है, जैसे कि इसमें कैलिब्रेशन ID नंबर शो कर रहा है, सीरियल नंबर। ये इसी तरीके से आप जिस भी गाड़ी में कनेक्ट करेंगे उसकी सारी डिटेल आप लोगों को यहाँ पर शो कर देगा। तो ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं जिससे आप अपनी गाड़ी को बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं। अब हम इससे बाहर आते हैं
और इसी तरीके से आप आपके पास जो भी व्हीकल है आप उसमें जाकर सिलेक्ट करके आप उसे यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, उसे चेक कर सकते हैं कि उसमें क्या फॉल्ट कोड है। ये हमारी व्हीकल लिस्ट हो गई जो कि आप लोगों ने पूरी देख ली। सो गाइस, ये हमारी टूल के बारे में डिटेल्स थी और काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। हम इसे जब लाइव डेमो करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, तो उसकी वीडियो जल्दी आप लोगों के सामने आएगी, इसकी लाइव डेमो की वीडियो। और बहुत ही रिजनेबल कॉस्ट में बाइक केबल के साथ में अवेलेबल है। बाइक केबल यूनिवर्सल बाइक केबल है जिसमें ऑलमोस्ट सारी बाइकों के केबल्स आप लोगों को दिए जाते हैं। तो अगर कोई भी आप लोग इसे परचेस करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी की भी ऑप्शन होती है, हमारे पास कुरियर फैसिलिटी की ऑप्शन होती है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट कुरियर फैसिलिटी देते हैं। अगर आप लोग इसे परचेस करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर से हमें जरूर कॉन्टेक्ट करिए। और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।